वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर। एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, जहां पर बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। जी हां, काफी जद्दोजहद के बाद 2 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को मंजूरी मिल गई है। कोवैक्सीन की मंजूरी बच्चों के लिए मिली है, सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए मंजूरी दे दी है। आखिरकार अब 2 से 18 साल के बच्चे भी वैक्सीन लगवा पाएंगे। कोरोना का खतरा और कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सबसे ज्यादा बच्चों पर था, और ऐसे में तीसरी लहर की आशंका के बीच ये बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है, जहां पर बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। कोवैक्सीन को ये मंजूरी एक और कदम कोरोना से लड़ाई की दिशा में, एक और मजबूत कदम इसे कह सकते हैं। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को मंजूरी दे दी गई है। बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है। आपको बता दें, इससे पहले वैक्सीनेशन लगाया जा रहा था, हालांकि बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं थी, और ऐसे में बार बार ये मांग की जा रही थी कि आने वाली तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी जाए, और आखिरकार 2 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को मंजूरी दे दी गई है। कोरोना से जंग में सबसे कारगर हथियार फिलहाल के लिए वैक्सीन है, और सभी से वैक्सीनेशन करवाने का आग्रह किया जा रहा है। ऐसे में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को मंजूरी है। तीसरी लहर की आशंका और इस बीच सबसे ज्यादा खतरा बच्चों के लिए कहा जा रहा था, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन बच्चों को लेकर जिस तरह से अभिभावक चिंतित थे, ऐसे में बच्चों के लिए अब वैक्सीनेशन को मंजूरी मिल गई है। फोन लाइन पर हमारे साथ डॉक्टर आर एस बेदी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज पर। सर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, हालांकि कोशिश करेंगे प्रतिक्रिया लेने की और तमाम जानकारी लेने की, आखिर बच्चों को क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं वैक्सीन के दौरान, और किस तरह से ये कोरोना की लड़ाई में एक बेहतर कदम और मजबूत कदम साबित होगा। जहां आपको बता दें कि सभी को वैक्सीन लगाई जा रही थी, इसी बीच बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को मंजूरी मिलना अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी है। डॉक्टर आर एस बेदी जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है वीके न्यूज पर आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर, अगर देखा जाए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। तीसरी लहर की आशंका के बीच जहां पेरेंट्स को लग रहा था कि बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है, ऐसे में ये एक मजबूत कदम है कोरोना से लड़ाई की दिशा में, सर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि इससे और अच्छी बात इस टाइम पे हो ही नहीं सकती। हम सारे वेट कर रहे थे कि जो ये डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं कब ऐसी वैक्सीन ले आएंगे जो कि बच्चों के लिए भी इफेक्टिव भी होगी और सेफ भी होगी। देखिए, हमें ये कोविड के जो लड़ाई लड़ी है, इसके अंदर बच्चों पे बहुत ज्यादा इसका असर पड़ा है। जैसे आपने कहा भी है कि थर्ड वेव में बच्चों में इसको आने की संभावना जो है वो ज्यादा है जी। हम इसको ऐसे लेके भी चले कि क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल से वंचित रहे हैं जी, और जो नॉर्मल जो उनके जो ग्रोइंग एज होती है उसके अंदर जो उनकी जो परवरिश थी उसके अंदर बहुत बड़ी कमी रह गई थी पिछले 1-1.5-2 साल से। और अगर ये वैक्सीन ना आती तो हो सकता था कि हमें अगले 6 महीने से साल तक और बच्चों को वंचित रखते स्कूल से, और बाकी जो नॉर्मल गतिविधियां बच्चों में जो जरूरी हैं उनके विकास के लिए उनके लिए। तो बड़ों में तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का असर दिखाई पड़ा है, बच्चों में भी बहुत ज्यादा ये दिखाई पड़ा है। और ये वैक्सीन जो है ये वरदान के रूप में आई है, और मैं डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को बधाई देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इतनी जल्दी उन्होंने ये वैक्सीन जो है इंडिया में उपलब्ध कर दी है। बिल्कुल डॉक्टर आर एस, अगर देखा जाए तो बहुत खुशी की बात है और बधाई भी सबको इसके लिए देनी चाहिए। लेकिन सर, सवाल ये है कि फिलहाल जैसे जो बड़े लोग हैं या फिर जो लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, करा रहे हैं, उन सभी को कुछ प्रिकॉशंस बताए गए हैं और बहुत नॉर्मल प्रिकॉशंस जो आम व्यक्ति समझ जाएगा, लेकिन बच्चों के लिए क्या कुछ अलग से प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं या फिर कुछ और चीजें जो उनको फॉलो करनी होंगी वैक्सीनेशन के दौरान? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो जो भी वैक्सीन के प्रिकॉशन बड़ों के लिए थे ही, वो ही वैक्सीन के प्रिकॉशन बच्चों के लिए भी हमने रखे गए हैं। और हमें ऐसे डरना नहीं चाहिए कि बड़ों में अगर जो रिएक्शन या कुछ इनके जो साइड इफेक्ट नजर आए वो
99% केसेस में इतने कम थे जो नॉर्मली भी अगर आप डीटीटी की इंजेक्शन भी लेने जाते हैं बच्चों के लिए तो उनमें भी ये साइड इफेक्ट नजर आते हैं, जैसे बुखार होना, थोड़ा रैश होना, इरिटेबिलिटी होना, या जहां पर इलेक्शन लगा है वहां पर स्वेलिंग होना, दर्द होना। ये जो चीजें हैं ये डीपीटी और बाकी जो वैक्सीन थी पुरानी जो सदियों से चलती आई हैं उनमें भी ये साइड इफेक्ट नजर आए हैं, और ऐसे ही साइड इफेक्ट जो है उनकी संभावना हो सकती है, हर बच्चे में नहीं, कुछ बच्चों में। तो हमें ये एक बहुत ही विश्वास के साथ ये हमें बच्चों को डॉक्टर्स के पास लेके जाना है। यहाँ पर मेरी सरकार से एक प्रार्थना है आपके माध्यम से कि ये जो है बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में भी इनको वैक्सीन को जल्दी से जल्दी मुहैया कराया जाए, ताकि लोग जो हैं एक अच्छे वातावरण में जाके बच्चों को अब ये वैक्सीन लगवा सके। सर, जब वैक्सीनेशन की शुरुआत भारत में हुई थी तब से अफवाह का बाजार गर्म था और इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आई, लोगों में डर और पैनिक क्रिएट किया गया, लेकिन अब जब बच्चों के लिए वैक्सीन आई, जाहिर सी बात है कि हमें बढ़ चढ़कर इस वैक्सीनेशन को बच्चों को लगवाना चाहिए, तो पेरेंट्स के लिए आपका संदेश क्या है हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, ये जो वैक्सीन अब जब हम बाहर मार्केट में निकालते हैं तो साइंटिस्ट जो है बहुत ही इतिहाद के साथ वो दो चीजों का खास ध्यान रखते हैं कि ये इफेक्टिव है कि नहीं है, और दूसरा इसका सेफ्टी प्रोफाइल पूरा है कि नहीं है। अगर ये दोनों पैमानों पे ये एक वैक्सीन जो है वो खड़ी उतरती है तभी ये वैक्सीन को मार्केट में लेके आते हैं। जैसे आपने बोला कि बड़ों के लिए भी ये लोगों में मन में शंका थी कि पता नहीं ये वैक्सीन लगानी चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, शुरू शुरू में हमें लोगों को समझाना पड़ता था। अब जो है लोग खुद लाइनों में लग के ये वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो मेरा ये निवेदन है माँ बाप से कि प्लीज आप साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को उनकी जो ये जो एक देन है, जो वरदान जो उन्होंने के रूप में वैक्सीन लेके आए हैं, आप उन पे विश्वास रखिए, गवर्नमेंट पे विश्वास रखिए, और बच्चों को वैक्सीन कराइए, ताकि ये जो थर्ड वेव अगर आने की संभावना है आपका बच्चा है उससे जो है वंचित रह सके। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक वैक्सीन लगाने के बाद कम से कम 2 या 3 हफ्ते लग जाते हैं उस वैक्सीन का असर होने में उस बच्चे के लिए, तो अगर आप समय रहते ये वैक्सीन लगवा लेंगे तो ये थर्ड वेव जिसकी संभावना हम कहते हैं अक्टूबर के एंड में या नवंबर में आने वाली है, तो जितनी जल्दी ये वैक्सीन कराएंगे उतना आपका बच्चा ज्यादा सुरक्षित होगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।